सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मालवी बोली की विशेषताएं। प्रकरण चल रहा था राजस्थानी बोलियों की भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं। उसी क्रम में आज की हमारी राजस्थानी की जो अंतिम महत्वपूर्ण बोली है मालवी, उसकी विशेषताओं को लेकर के हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। हमें उत्तरार्ध के की सभी छात्रों का स्वागत है। मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और चौथी जो राजस्थानी की जो बोली है उसको मालवी कहा जाता है। मालवा के पठार के आसपास बोली जाने के कारण इसे मालवी कहा गया है और ये सोरसेन या फ्रंश के उपनागर रूप से ही विकसित बोली है। मालवा जो प्रदेश है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है उस क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के दोनों की सीमाओं से लगता हुआ जो क्षेत्र है उसको मालवा क्षेत्र कहा जाता है। उस मालवा क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका स्थान के आधार पे मालवी बोली नाम पड़ा है। उज्जैन, रतलाम, देवास इनके आसपास के निकट के क्षेत्र में ये प्रमुख रूप से बोली जाती है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान का जो कोटा, झालावाड़ जहाँ पर आड़ूती बोली जाती है उससे आगे का जो क्षेत्र है और दक्षिणी और जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके कुछ भूभाग में मालवी प्रमुख रूप से बोली जाती है। हालांकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसे राजस्थानी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है इस बोली को, लेकिन बहुत सा भूभाग ऐसा है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और उस पर ये बोली बोली जाती है। कई बार इस प्रश्न को पूछा भी जाता है हिंदी साहित्य में और जीके के आधार पर भी कि राजस्थानी बोली, जो राजस्थानी बोलियां हैं उस वर्ग के अंतर्गत ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थान से बाहर बोली जाती है, राजस्थान क्षेत्र से बाहर के प्रदेश में बोली जाती है, तो उसका उत्तर आता है मालवी बोली, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भाग में भी बोली जाती है। मालवी बोली को पहले आवंती के नाम से भी जाना जाता है और आवंती का ही विकसित रूप मालवी को कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो अंग्रेज विद्वान थे, हिंदी भाषा का संवेक्षण भी किया, भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण भी करते हैं, उन्होंने इस बोली को दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी कहा है। उन्होंने इसको दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी का नाम दिया है। वहीं हिंदी के विद्वान, भाषा विज्ञान के जानकार डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसे पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी दोनों के निकट की मानते हैं। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी दोनों के नज़दीकी बोली इसको स्वीकार करते हैं। मालवी बोली की लिपि भी नागरी है और इसके अतिरिक्त महाजनी तथा महाजनी और मुड़िया प्रभावित नागरी लिपि का भी प्रयोग होता था इसमें। ग्रियर्सन ने उस समय जब भाषा सर्वेक्षण किया था उस समय उन्होंने माना था कि जो मालवी बोली बोलने वालों की जो संख्या है वो 43 लाख के आसपास है और 1971 में जब जनगणना हुई तो उस समय इसके बोलने वालों की संख्या 11,42,478 यानी कि 11 लाख के आसपास, 11.5 लाख के आसपास बोलने वालों की संख्या थी। मालवी में हिंदी का कोई प्रसिद्ध साहित्य तो नहीं मिलता है लेकिन लोक साहित्य इसमें जरूर मिलता है। चंद्र सखी इसकी एक प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं जिन्होंने मालवी में अपनी रचनाएं लिखी। मालवी में लोक साहित्य अधिक लिखा गया है, शुद्ध हिंदी साहित्य इसमें कम लिखा गया है। अब बात करें हम मालवी के अन्य नामों की कि मालवी जो बोली है उसको किन किन अन्य नामों से पुकारा जाता है। मालवी बोली के जो अन्य नाम हैं उसमें आवंती, जिसकी हमने चर्चा की, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, अहिरी भी इसको कहा जाता है, अहिरवाटी, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, अहिरवाटी जो बोली है वो मेवाती का एक नाम है और अहिरी इसको भी कहा जाता है। मालवी बोली की जो उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, मालवी जो उपबोली है उसके अंतर्गत डांगी, सौंठवाड़ी, रांगड़ी, धोलेवाड़ी, मोयारी, पाटनी, करियाई, उमठवाड़ी, मंदसौरी, रतलामी, डंगेसरी, ये जो बोलियां हैं
ये इसके अंतर्गत आती है। कुछ लोग निमाड़ी को भी इसके अंतर्गत ही रखते हैं। परिनिष्ठित जो मालवी को अहिरी भी कहा जाता है। ये विभिन्न बोलियां हैं जो मालवी के क्षेत्र में बोली जाती हैं, स्थानीय स्तर पर जो इसकी उप बोलियां स्वीकार की जाती हैं। मालवी बोली के क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो इसका अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग राजस्थान में पड़ता है। जैसा कि हमने चर्चा की कि राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी जो हिस्सा है, झालावाड़ और कोटा से आगे का जो हिस्सा है, उस जो क्षेत्र और उससे लगती हुई सीमा पे जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें मुख्यतः इंदौर, उज्जैन, देवास, गोजावाड़, झाबुआ, सीतामऊ, रतलाम, इन जो क्षेत्रों में मेवाड़ी प्रमुख रूप से बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। और मेवाड़ के कुछ भाग भी होते हैं जो मेवाड़ यानी कि उदयपुर का जो क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से मेवाड़ी बोली जाती है। तो इसमें मोटे रूप से कहें तो इंदौर, उज्जैन, देवास और रतलाम, ये चार जो ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, इनमें मेवाती का प्रभाव है, मेवाती बोली जाती है। अब हम बात करेंगे मेवाती बोली की विशेषताएं, जिनके कारण ये राजस्थानी की जो विभिन्न बोलियां हैं उनसे पृथक है, उनसे अलग अपनी पहचान बनाती है, अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करती है, जिसको पहचानने का एक आधार बनता है। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम मालवी बोली को जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती से अलग करते हैं? चलिए देखते हैं। पहली जो विशेषता है वो है मालवी बोली में कुछ ध्वनियों का परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए में बदल जाता है, जैसे चैन चेन, औ ओ में बदल जाता है, सौ सो, पैसा पैसा। इसी प्रकार से है वो ये में बदल जाता है ध्वनि है वो ये में बदल जाती है, जैसे मोहन मोयन, दोहन दोयन। इसी प्रकार से ये जो है वो जय में बदल जाता है, जैसे युद्ध युद्ध, यदा जदा, ये परिवर्तन इसमें आ जाता है। ने ने है वो अणय में बदल जाता है, जैसे कहानी कैणी, कहानी कैणी, कयणी भी कई जगह पे आ जाता है, क्योंकि है कयाणी, इसका परिवर्तन ये भी आ जाता है कयाणी, क्योंकि है भी या में बदल जाता है। इसी प्रकार से मैं डे में बदल जाता है, ये परिवर्तन ज़्यादा अधिक है क्योंकि समीप का नहीं है, कि जैसे मेंढक डेंडक, मेंढक डेंडक बदल बन जाता है। इसके बाद मध्य और अंत में जोड़ने वाले डे का उच्चारण डे होता है, यानी कि डे का जो उच्चारण है वो अडे में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रहे कि हिंदी में डे और डे जिनके नीचे बिंदी लगी रहती है, ये ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ हैं, इनको मूर्धन्य में सम्मिलित किया जाता है, उसमें रे का उच्चारण होता है। डे एक डे होता है, डे के नीचे अगर बिंदी लगे ड्र हल्का सा रे का उसमें सम्मिलित उच्चारण होता है, और यह जो आगे दिया गया है अडे होता है, पंचमा अक्षर होता है, तो ये जो ड है का उच्चारण अडे की तरह होता है। मालवी में है के स्थान पर ये और व का ध्वनि मिलती है, जैसा कि ऊपर भी हमने चर्चा की थी, है के स्थान पर ये और व की ध्वनि मिलती है या उसका लोप हो जाता है, जैसे मोहन मोयन, लुहार लुआर, महीना मैना इत्यादि होता है। इसी प्रकार से मालवी में संज्ञा के निम्न रूप भी मिलते हैं, जैसे घोड़ा घोड़ो घोड़ो घोड़िया आदि संज्ञा के रूप यहाँ पर प्रचलित हैं मालवी बोली के अंतर्गत। आगे बात करते हैं हम मालवी बोली में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम भी द्रष्टव्य हैं, विशिष्ट हैं, जैसे मुँह हूँ मैं अया तू थे था थे था वो वा उणी जानी कुण कणी
काई आदि आदि सर्वनाम है जिनका प्रयोग इसमें होता है। मालवी के विशेषण भी विशिष्ट प्रकार के हैं, जैसे प्राय हिंदी के समान कुछ भिन्न, जैसे 71 हम बोलते हैं 71, और मेवाती मालवी में बोला जाता है 71, इसमें हम बोलते हैं 72, इसमें तो 72, इसमें बोलते हैं 73, और इसमें बोलते हैं 74, ये बोला जाता है। मालवी बोली की कुछ क्रिया निम्नलिखित हैं, जैसे चले, चला, चलो, चलेगा, चलेगा आदि। इस बोली की कुछ सहायक क्रियाएं भी निम्नलिखित हैं, हूँ, हाँ, हे, हो, है आदि हैं। मालवी बोली के कुछ क्रिया विशेषण निम्नलिखित हैं, जैसे या, अठे, उठे, हई, वहीं, तौड़ी, बायर आदि प्रयोग मिलते हैं। इस प्रकार से मालवी बोली राजस्थानी की एक प्रमुख बोली है, जो राजस्थान के बाहर भी बोली जाती है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बोली जाने के कारण इसे दक्षिणी पूर्वी बोली भी कहा जाता है। धन्यवाद।